फोर नंबर देखते हैं, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू में, देखिए साइन थ्री एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स या तो जीरो से लेस देन है या जीरो से ग्रेटर है, और एफ एक्स का वैल्यू फोर हो जा रहा है इफ एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर सॉरी आपका फंक्शन है एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर माइनस एफ एक्स का वैल्यू तो जीरो से लेस देन के लिए है, यहाँ पे साइन थ्री एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस, यहाँ पे देखिए साइन थ्री एक्स बाई थ्री एक्स कर देते हैं, थ्री से डिवाइड किया और थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस, यहाँ पे आ जाएगा साइन थ्री एक्स बाई थ्री एक्स, तो इसका तो वन हो जाएगा, तो थ्री इंटू वन इसका वैल्यू थ्री आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं, इसका राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस दे देंगे और फंक्शन आपका एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अच्छा एफ एक्स का वैल्यू तो जीरो से ग्रेटर के लिए है यहाँ पर साइन थ्री एक्स बाई एक्स, अब यहाँ पे भी वही थ्री से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थ्री एक्स और बाई में थ्री एक्स इंटू यहाँ थ्री कर देते हैं, थ्री कॉन्स्टेंट है ये थ्री को बाहर लेके आ जाते हैं, थ्री यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस और यहाँ हो जाएगा साइन थ्री एक्स बाई थ्री एक्स, ठीक है तो इसका वैल्यू वन, यानी थ्री इंटू में वन आपका थ्री हो जाएगा। अगर जीरो पर फंक्शन के वैल्यू की बात करें तो वो फोर है, यानी कि एफ जीरो आपका फोर दिया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन इक्वल नहीं है एफ जीरो के, तो देयरफॉर कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर ये डिसकंटिन्यूअस है हमने कह दिया। चलिए अब हम लोग